आपको सब भगवान कहते हैं, हमको भी दिखाओ। ग्वाल वालों को भगवान ने अपने वैकुंठ स्वरूप का दर्शन कराया था। भगवान के प्रपोत्र थे ब्रजनाथ, उनके द्वारा स्थापित। नीचे गरुड़ जी है, ऊपर ठाकुर जी बैठे हुए। अच्छा, श्रृंगार होते हैं, सुनते हैं। अच्छा, तो सब देखते हैं। अच्छा, ये छाती में जो दिखाई दे रहे हैं, ये तो मुझे। अच्छा, पुराणों में अलग अलग कथाएं आती है। हाँ, गरुड़ जी है भगवान को, गरुड़ जी भगवान के वाहन है ना। उनको एक बार एक ऋषि थे, सबरी ऋषि, जमुना जी में तप कर रहे थे, तो गरुड़ जी भी आए। गरुड़ का भोजन मछली है। अच्छा। हाँ, मछली है, खाना चाहे तो खा रहे थे। तो ऋषि ने कहा, यहाँ क्या कर रहे हैं, सब मत करो। उसने कहा, बाबा तू भजन कर रहा, भजन कर ना। लेकिन वो माने नहीं, तो श्राप दिए गरुड़ जी को, यहाँ आओगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। सर फट जाएगा? हाँ। गरुड़ जी भी सोचे, चलो इसे क्यों झगड़ा करे, वहाँ से आ गए। भगवान को जब भी लेके आते तो यहीं छोड़ के जाते। इसलिए का नाम गरुड़ गोविंद। अच्छा, गरुड़ गोविंद। या ग्वाल वालों को भगवान ने अपने वैकुंठ स्वरूप का दर्शन कराया था। ग्वाल बाल बोले, प्रभु आपको सब भगवान कहते हैं, हमको भी दिखाओ। तो यहाँ पर बोले भगवान ने अपना जो 12 पूजाधारी चक्र सुदर्शन स्वरूप का दर्शन कराया था, उसके नाम गरुड़ गोविंद। पुराणिक ब्रजनाभ के भगवान के प्रपोत्र थे ब्रजनाभ, उनके द्वारा स्थापित। बाद में कालांतर से कुंड में दबा दिया गया, तो ये बाद में प्रकट हुए। अच्छा, तब से यहाँ तालाब में प्रकट हुए गरुड़ जी। अच्छा, तो ये जब दर्शन करोगे ना अभिषेक के, तो 12 पूजाधारी का। अच्छा, 12 पूजा है ठाकुर। अच्छा, बोलो गरुड़ गोविंद। दूसरी भी लीला आती है। एक बार मतलब गोपी लोग जा रही थी मथुरा, मतलब भेंट देने, दही दूध ये सब। भगवान ने कहा, मुझे खिला दे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं कंस के लिए लेके जा रहे हैं। कहा, नहीं नहीं कंस उसके लिए मत लाओ, मुझे खिलाओ। तो देखो फिर भगवान ने अपना हाथ पाओ 12 भुजा प्रकट करी, बोले कंस के पास तो ये खा दे, मेरे पास बहुत सारे हाथ हैं, है ना। तो स्वरूप का भी हाथ